बीजेपी जेडीयू में लगातार एक बात को लेकर बयानबाजी चल रही है। वो बात यह है कि गोपाल मंडल को लेकर बीजेपी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड की बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, उनका बयान तो सामने पहले भी आ चुका है कि कार्रवाई होगी, लेकिन लगातार कई दिनों से बीजेपी के द्वारा ये सवाल खड़ा हो रहा है। और आज भी उमेश कुशवाहा से इस बयान के बारे में पूछा गया कि क्या अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, कब तक कार्रवाई होगी इस मुद्दे पर गोपाल मंडल को लेकर। उन्होंने इस बात को जो है स्पष्ट तरीके से नहीं बोला, गोल मटोल घुमाकर इस बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, और लेकिन जिस तरह से बात करें कि उन्होंने इस बात को घुमाते हुए जो कार्यक्रम चल रहा है, मंत्रियों के रोस्टर बना है, जो मंत्री तीन मंत्री जो है वो प्रतिदिन आते हैं और बैठते हैं और लोगों से मिलते हैं, लेकिन इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनको नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी उस पर जवाब नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार इसको लेकर बयानबाजियां चल रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी बयानबाजी का जो सिलसिला हुआ तो बीजेपी ने स्टैंड लिया था टुन्ना जी पांडे पर और उनको नोटिस भेजा था, और कब जो है गोपाल मंडल पर कार्रवाई होगी इसकी मांग लगातार बीजेपी कर रहे हैं। और सुनिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर। कार्रवाई नहीं हो पाई है, जवाब दिया देखिए, हम उनका पूछे ही नहीं है, हम चेहरा भी नहीं है, जवाब आया उनका अध्यक्ष जी। अरे आप चलो चल चल, अभी हम लोग आए हैं, आप जान रहे हैं कि बिहार के विकास की गति देने के लिए जो हमारे महीना में प्रत्येक महीना के प्रत्येक सप्ताह के चार दिन माननीय मंत्री जी का रोस्टर बनाया गया है, जिसमें माननीय मंत्री जी बैठेंगे, जन सुनवाई करेंगे, जन सुनवाई करने के बाद जो उनका जो हमारे जनता का जो समस्या है उसका त्वरित कार्रवाई करेंगे, निदान करेंगे, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, उस पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लगता है इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और एक और पीछे न्यूज विंग थोड़ा पीछे, जो हाल के दिनों में कुछ विवादित बातें हुई पोस्टर को लेकर के या कुछ कार्यक्रम को लेकर के, लगता है इन चीजों पर कल की बैठक के बाद विराम लग जाएगा। सब चीज सलट गया है, कोई मामला नहीं है, पार्टी के पोस्टर का कोई सवाल नहीं है। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बस उनमें सभी लोग का आस्था है, विश्वास है, और उसी में सब लोग का उनको अनुभव, हमारे नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में सब लोग, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो या नेता, सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो भी था वो लगता है खत्म करने की कल कोशिश एक बार फिर से मुख्यमंत्री के द्वारा की जाए। देखिए विवाद तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पूरे जनता दल यूनाइटेड एक है और नेता हमारे एक है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही सब लोग का आस्था है, विश्वास है, वही हमारे नेता है, सारे बड़े नेता है। अरे आप तो लोगों तो सही से रखिए भैया, राष्ट्रीय परिषद का बैठक है, इसमें तो राष्ट्रीय पदाधिकारी बताए, पूरा प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ हमारे यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, स्वागत है सभी लोग, जो भी देश से आएंगे पदाधिकारी हमारे यहाँ, सबका स्वागत है।